अच्छा जी, झुट्टे के बारे में बताओ, कितनी बार गंगा जी स्नान पे झुट्टा आपका जा चुका? भाई 2 बार जा लिया। 2 बार? हाँ। और इस बार क्या तैयारी है? भी भाई, इस बार भी जाएगा? हाँ। अच्छा जी, तो आपके यहाँ से गंगा स्नान कितनी दूरी पड़ती है जी? 60 किलोमीटर। अच्छा जी, तो एक जानकारी छोटी सी है भी देश में, आप जैसे यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी है आपकी, तो बीच में 60 किलोमीटर लगातार झुट्टा जाता है या एक दो स्टॉप लगाने पड़ते हैं? मोड़ना रुक गया जी बस। लगभग कितनी दूर जाने के बाद स्टॉप लगता है? 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर लगातार जाता है, फिर स्टॉप लगता है, फिर 5 किलोमीटर रह जा सुकर ताल, फिर 5 किलोमीटर आगे जाता है। तो ये देखे साथियों, लगातार 55 किलोमीटर झुट्टा जाता है, तब थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो पिछली बार जब ये झुट्टा गंगा जी स्नान पे गया था, तो कुछ झुट्टों के साथ इसका मुकाबला भी हुआ, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ जी बताओ भाई, इसके साथ जो है आपके यहाँ जो है जो गांव पड़े यहाँ पुरवाल जान, अच्छा जी, जिनसे जो है मेरे पीछे जो है वो झोटा लग रहा था, हमारे गांव का झोटा था, 95,000 रुपये का आ रहा था वो। अच्छा जी, फिर जो है वो चलता रहा, चलते जो है वो कहना भाई करेगा मगर भाई मारा वाले के जो रोज लिया हम नहीं करते। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कहना भाई मारा वाला तो अंगा लग रहा, अच्छा जी लग रहा था मगर भाई चल वो हमने आगे करवा दिया, आगे तो जो हमने वो पीछे आगे काट के उसते हमने जो वो मार दिया था। अच्छा जी, तो पुरवाल यंत्र है मारा पड़ता है अपने गांव लोगों जो काट दिया था, उसे काट दिया था। हाँ। और रास्ते में कितने झोटे काटे? रास्ते में तो मेरे साथ भाग में भी हम तो जो है अच्छा अच्छा घंटा लेट चले, अपने प्यार से स्नान गंगा जी स्नान किया, बहुत अच्छे। तो देखे साथियों, शौकीन भाई जो होते हैं अपने पीने वालों के साथ, हमारा इसका चल रहा 500 रुपये का। अच्छा जी, जाती आने का आने जाती आने। अच्छा जी, फिर जो है हम भोपाल वाले पुल पर मिले, वहाँ से जो है हमारे झोटा जो है दोनों आपस में मिल गए, मिलती छाट दिया हमने वो लपेट दिया, लपेटे पीछे जो है वो काट देता वो भी। अच्छा जी, जाते बार भी एक झोटे को कटा है। अच्छा जी, तो देखे साथियों, ये झोटा फिलहाल अभी 6 दांत में है और अभी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा भविष्य में भी, देख सकते हैं। और काफ़ी शौकीन भाई भी हैं, ये हर साल गंगा जी स्नान पे जाते हैं। अच्छा जी, तो गंगा जी स्नान पे जाना कब से स्टार्ट किया था आपने? मैं तो जो है बता दूँ, मैं छोटे छोटे जान लगा था, मैं तो अपने पापा के साथ भी गया, अपने चाचा के साथ भी गया। अच्छा जी, और फिर जी हम बड़े हो गए अपने झोटा ले जाने लगे, तो लगातार 3 पीढ़ियों से शौक बरकरार है और आगे जो आने वाली। हाँ, एक बार लंबा है वो भी जाकर। अच्छा, वो भी शौकीन है? हाँ, शौकीन पूरा। कितना बड़ा है फिलहाल? वो जो 9 साल का है। अच्छा जी, तो शौक उसे भी है? हाँ, सूर्य बालियान नाम है उसका। तो देखे भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा जी स्नान का शौक चल रहा है। तो भाई तुम्हारे कब लेकर आए आप? भाई 1 महीना हो लिया। 1 महीना हो चुका है। दंतों में कैसे फिलहाल? ये तो उन्ना है भाई, उन्ना ही लवा रहा है। देखे साथियों, 11 महीने का, 11 माह उम्र है सिर्फ अभी लवा रहेगी। और कंडीशन देखे जी, इधर से दिखा दो जी एक बार घुमा के। तो अब आगे की भाग दौड़ की जिम्मेदारी इस लवारे के कंधों पे आ जाएगी, आगे ये खेल खेल लेगा, गंगा जी स्नान में भी जाएगा। तो ये देखें, इधर पहले झोटा तैयार है, अब तैयारी इस लवारे की भी चालू हो चुकी है। तो जी, किस पर्पज से लेगा ये लवारे को ये आप? मतलब किसके लिए लेकर आए, मतलब क्या उम्मीद है लवारे से? कि हमारा लमड़ा जाऊ जो इस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लड़के की फरमाइश थी, उसकी फरमाइश पे एक लवारा लेकर आए हैं जी, बहुत अच्छे जी। अब लड़का ही लवारे को तैयार करेगा, शौक टूटना नहीं चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। साथियों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, जो भाई चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।